कर रही है। आप नहीं है अच्छा लग रहा है शिशु और के पास जाते हैं और के पास हो जाए
हमारे सजा में है
जो मानव आदत से हैं और खुदा की दिन को संजाम देते हैं। और ये फर्स्ट मंडे यहाँ पर प्रोफेसर के पास आते होते हैं, उनके शागिर्द हैं, खिदमत करते हैं और खुदा जगह पर जगह इनको अपने जवाब और कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जगह पर जगह अपने जवाब और कामों के लिए इस्तेमाल करता है। खिदमत बनाए जो टाइम के साथ मौजूदात के साथ खुदा अपने जगह को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर भी खुदा आया ताकि खुदा के काम को देखे, खुदा की कुदरत को देखे, उसके अजीब कामों को देखे जो खुदा करता है। करता रहेगा, करता है, करता और करता रहेगा। वो जिंदा खुदा है। वो क्या है जी? जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। अब काम के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सर अपने दिमाग में काम क्यों नहीं ऐसे करें अपने कानों में ताकि कान खुल जाए। आपको कलाम की जरूरत नहीं है, आपको कलाम की जरूरत नहीं है कि नहीं? कलाम की जरूरत है, कान खोले जरा। आपके लिए मैंने दुआ भी की है, आप शर्मा रहे हैं। जब सुनते हो बड़ा खुश होता हूँ। वो तो एक्टर होते हैं भाई, एक्टर होते हैं, शर्माते नहीं है। उनकी एक्टिंग देखने वाली होती है, शर्माते नहीं है। इतनी इतनी भीड़ होती है, वो उनके अंदाज जो कलाम सुनाने के होते हैं कमाल होते हैं। वो उनके एक्टर बने होते हैं। तो हम यहाँ पर कहना चाहिए कानों की कहा तो वो शर्मा रहे हैं, साथ वाला देखे ना बातें करें सबकी कलाम को सुनने वाले हैं। कानों को बोलता हूँ कलाम मेरे लिए भी है, आज का कलाम मेरे लिए भी है। आपकी भरपूर तालियों में यीशु के जलाली कदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती। आप सब खुश हैं? अपने दोनों हाथों को ले रहे, दोनों हाथों को ले रहे। अपने साथ वाले को कहिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने साथ वाले को कहिए और आगे कहिए आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए जरा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा यीशु यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं उसके साथ में। मैं कोई बहुत बड़ा खादर या बहुत बड़ा रेजिडेंस नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ छोटा सा एक गुआ हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि मैंने यीशु को अपनी जिंदगी में देखा है। एक बार नहीं, बार बार देखा, बार बार देखा। इसलिए मैं कहता हूं मैं उसका गवाह हूं कि यीशु मसीह जिंदा है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यक्षा है। मेरे साथ रह रहा आपने। सबसे पहले मैं खुदा बाप बेटे रूह कुदस का शुक्र गुजार हूं कि जिसने आज ये मौका दिया है कि मैं इस एरिया में आकर, इस चर्च में आकर खुदा के कलाम को जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। और मेरा ईमान है, मैं 30 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन आज खुदावंद अगर लेकर आया है तो आज कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। उसके बाद मैं अपने प्यारे भाई जो मेरा हकीकत भाई है पास्टर करामत हनीफ साहब, उनके लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं जोरदार ताली बजाइए। आपको बड़ा अच्छा जबरदस्त सुनवा दिया। खुदा जो है वो नकाम लोगों से मोहब्बत करता है। किससे जी? नकाम लोगों से प्यार करता है, जो जो पिसे हुए हैं,
जो शिकस्त खुदा है, जो हार मान चुके हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मेरा तो अब कोई हाल नहीं है, अब मेरा तो कोई, मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हार मान चुके हैं, शिकस्त अपने आप को शिकस्त खुदा बना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि मेरी जिंदगी में हर तरफ नाकामी ही नाकामी है, कामयाबी की कोई किरण नजर नहीं है। ऐसे आज उन सब लोगों के लिए कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आप जैसे भी हैं, आप गुनाहगार, गुनाहगारों से भी गुनाहगार है तो भी खुदा आपसे मोहब्बत करता है, मगर गुनाह से नफरत करता है। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा नकाम लोगों को ले लेता है, जो नकम्मे होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, जो रद्द किए हुए हैं, जो शिकस्त खुदा है, जो किसी के नजर में उनकी वैल्यू नहीं है, खुदा उनको ले लेता है और उनमें आ जाता है और उनको जबरदस्त बनाकर खड़ा कर देता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर शिकस्त खा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी लाइफ के अंदर हार मान चुके हैं, बीमारी की वजह से, दुख की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, हार मान चुके हैं। खुदावंद आज उनको वहां से भी निकालेगा और फिर उनको जबरदस्त बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पुराने अहदनामे में से देखते हैं दूसरी तवारीख की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दूसरी तवारीख पुराने अहदनामे में से दूसरी तवारीख की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत, एक आयत पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे इस वर्ष को बोलेंगे। याद रखिए, जब आप कलाम बोलते हैं ना तो काम होता है, जब आप कलाम बोलेंगे ना आप आजाद हो जाएंगे, जब आप कलाम दिल से बोलेंगे आपको आजादी मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी, दुख, लानत, परेशानी, जैसे मसीह के खुदा उनको आजाद करेगा। मैं रस्ते में आते हुए था, खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा था, किसी के ये साइड थे इस एरिया के अंदर खिंचाव होता है, खुदा उसे आजाद कर रहा है। अभी मैं बैठा हुआ था, किसी को अंतड़ियों का मसला है, अंतड़ियों का पेट में कोई प्रॉब्लम है, खुदा उसे भी आजाद करने को, बेशक स्वभी का मसला है, खुदा उसे आजाद करने को। जब मैं बोलूंगा आपने हाथ रखना और दुआ करनी और झिड़कना है, हम सब करेंगे दुआ, हम सब को खुदावंद ने ये फजल दिया, हम सब पर खुदा मेहरबान है और हम सब को खुदावंद ने ये अथॉरिटी प्यार दी है, जितने उसके हुक्म को मानते हैं, जिसके उस जितने उसको कबूल करते तो सब पर खुदावंद ने फजल दिया। ईमान लाने वालों का, जब आप ईमान ले आते हैं तो फिर देखिए, जब आप ईमान आते हैं तो फिर आप बदरुओं को निकालेंगे। हालेलुया। आप में से बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे बदरुओं को निकालने वाले होंगे। हालेलुया। मेरे पीछे इस वर्ष को बोल रहा है दूसरी तवारीख की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत, क्योंकि अभी वास नहीं आई, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती है ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है अपने ताई को भी दिखाए। आमीन। क्या लिखा जी? क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती है, सैर करती है। खुदावंद की आंखें हैं कि नहीं है? आंखें खुदावंद की आंखें हैं, खुदावंद देखता है। दुनिया के बुत लिखा के महज बुत है, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना छूते हैं, ना आपके साथ चलते हैं, ना आपके साथ बात करते हैं। वो क्या करता है? वो महज बुत है। वो महज क्या है? वो महज क्या है? बुत है। ना वो सुनते हैं और ना वो देते हैं, लेकिन मेरा और आपका जो खुदा वो कैसा खुदा है? बोलिए जरा उसके बारे में। वो जिंदा खुदा है, वो सुनता भी है, देखता भी है, छूता भी है, क्योंकि उसकी आंखें हैं, इसलिए वो देखता, उसके कान हैं क्योंकि वो सुनता है, और उसके हाथ हैं क्योंकि वो छूता है, उसके पांव हैं क्योंकि वो हमारे साथ चलता है। हालेलुया। वो मेरे और आपके साथ चलता है, आप जैसे मर्जी बचाओ
नाकाम क्यों नहीं हो। खुदावंद आज आपको आपकी नाकामी को कामयाबी में बदलेगा। बोलिए, खुदावंद मेरी नाकामी को कामयाबी में बदलेगा। खुदावंद मेरी बस्ती को बुलंदी में बदलेगा। खुदावंद मेरी बीमारी को सेहत तंदुरुस्ती में तब्दील कर देगा। जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी आंखें वो जमीन पर फिरती है और उनकी मदद करती है जिनका दिल उसकी तरफ काम है। ऐसा बादशाह जो कि यहूदा का बादशाह था, जो कि दाऊद के खानदान में से था, दाऊद के घराने में से था, यही वो ऐसा जिसने कुशियों को, जिसने बहुत सारी कौमों को मारा, एक बड़ी कसीरत नदाब को इसने दहस दहस कर दिया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब राम से इसकी जंग थी। जब राम से इसकी जंग हुई तो राम के साथ इसने समझौता कर लिया, उसके बादशाह के साथ समझौता कर लिया। जब उसके साथ समझौता किया तो खुदा इससे नाराज हो गया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये राम के बादशाह पर भरोसा करे। लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जो इंसान पर तवक्कुल करता है वो कैसा बनता है, बताओ जरा। बाइबल पढ़ने वाले बोल रहे हैं, पीछे बाकी नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है वो? क्या जी? मलाउन। वो तो सही बोल रहा है जिसने बोला था मलाउन। लांटी और मलाउन है जो इंसान पर भरोसा करता है, उनके पासों की ताकत पर भरोसा करता है। जब इसने पहले कुशियों को मारा तो उस वक्त इसने खुदा पर भरोसा किया, खुदावंत पर तवक्कुल किया, खुदा के सामने सजदा रेज़ हो गया, खुदा के सामने झुक गया। खुदावंत को कहा कि मैं बड़े शिकंजे में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ और इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा कबीला मारा जाएगा, क्योंकि कसीर तदाद फौज है वो मेरे सामने, मेरा मुखालफ मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मेरे लोग कम है, मेरे पास इतने हथियार नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतने हथियार नहीं है, ना फौजी है, तो कैसे मैं जंग लड़ूंगा। खुदावंद ने कहा तू जाना और जंग लड़ना, क्योंकि ये जंग तेरी नहीं है, जंग मेरी है। किस पर भरोसा किया? खुदावंद पर भरोसा किया, खुदावंद पर तवक्कुल किया। जब उस पर भरोसा किया, उस पर तवक्कुल किया, जंग करने के लिए जाते हैं तो क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर के सारे नबियों को, काहिनों को और जितने साथ में जाने वाले थे उन सबको बुला लिया कि आओ खुदावंद से बात करें, क्योंकि हम बड़े शिकंजे में हैं, हम परेशान हैं, लोग हम पर जो है वो दावत बोलने वाले हैं। और खुदा ने कहा है और बाइबल मुकद्दस के अंदर यही आशा जो बोलता है कि अगर तुम नबियों का यकीन करोगे, अगर तुम खुदा के हुक्मों को मानोगे, खुदा के कलाम पर तवक्कुल करोगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि खुदा थोड़ी ना मौतों को बचाने की मैं कुदरत नहीं रखता, खुदा थोड़ों से भी बहुत सालों को बचाने की कुदरत रखता। आपका दुश्मन बेशक बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, बेशक उसके पास मंत्र ज्यादा हो, बेशक उसके पास जो है फौजी ज्यादा हो, हथियार ज्यादा हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो भी खुदा अगर आप उससे मदद चाहते हैं तो खुदावंद आपको उन पर हावी कर देगा और वो शिकस्त खाएंगे आपके सामने। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि मेरा दुश्मन, आप बोल रहे हैं मेरा दुश्मन मेरे सामने टिकने नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा खुदा मेरे साथ है। इसने तवक्कुल किया, इसने भरोसा किया, ये ईमान लाया खुदावंद पर, खुदा ने इसकी मदद की। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर? खुदावंद उनकी इमदाद में, यानी कि उनकी मदद करता है, किनकी? जिनका दिल उसकी तरफ जो है वो कामल है। खुदावंद उनको कभी बना देता है। ऐसा बादशाह जो कि इतना बड़ा बादशाह नहीं था, लेकिन खुदा ने जब इससे फतह से बढ़कर गलबा दिया, फतह पाई, तो फिर एक जबरदस्त बादशाह बन गया। ऐसा बादशाह सिर्फ खुदा ने क्या कहा, खुदा ने कहा कि तू नबियों काहिनों को सांस बचाने वालों को बना, सिर्फ सीधे कतारें बनाकर खड़े होना चलना है और मेरी वर्शिप करनी है। हथियार देखे क्या है, हथियार कैसे वर्शिप करनी है, सांस बजाने हैं,
खुदा की महिमा करनी है। और देखा कि जब उन्होंने हुस्ने तुकद्दस के साथ गाया, ये नहीं कि ताली की आवाज अंदर जानी थे ढोलक की आवाज है बुझा रही थी, तपने दी उधर जानी बाजे दी उधर जेड़ा लीड करने वालों की आवाज और किस सैन को लिखवाए दिन किस सैन, ऐसी नहीं। जितने भी साथ बजाने वाले थे उनका गोल सामने एक ही था, और जितने भी बजाने वाले थे हारमोनियम प्ले करने वाले थे उनका राग और सुर जो थी वो एक थी। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हारमोनियम को या फिर इस साजों को इतना अच्छा नहीं जानता, ज्यादा नहीं जानता, लेकिन क्योंकि ऐसा ही है ना, जो बजाने वाले हैं अगर उनकी धातु पूरी ना हो तो कोई पता चलेगा, ऐसा ही है ना, उनकी जिस बात में ना धातु कि उनका जो जो रिदम है उनका जो सम है गुर है अगर वो सही जगह पे निकाल रहा तो फिर वो नाकाम है, वो सही से गा नहीं सकते बजा नहीं सकते, उन्होंने रियासत नहीं की। और जब लिखा कि उन्होंने हुस्ने तुकद्दस के साथ गाया तो लिखा फिर उसके दुश्मन वो गा रहे थे बजा रहे थे और वो आपस में लड़ लड़ के मारे, आपके दुश्मन आपस में लड़ लड़ कर बचेंगे। हालेलुया, ऐसे तारे का। लेकिन उस वक्त इसका तुलकन इसका भरोसा किस पर था, उस वक्त इसका तुलकन इसका भरोसा जिंदा खुदा पर था। लेकिन अब जंग जो थी वो आराम से आराम का बादशाह के साथ इसने हाथ मिला लिया, आराम के बादशाह पर इसने तुलकन किया, खुदा पर तुलकन नहीं किया, खुदा पर भरोसा नहीं किया। अब फौज भी उनकी जो दुश्मन है फौज की वो भी कम है, हथियार भी कम है, उस वक्त ज्यादा थे फौज भी ज्यादा थी, हथियार भी ज्यादा थे, इनके कलम मुखालिफ भी ज्यादा थे। उस वक्त इसने जिंदा खुदा पर भरोसा किया और फतह पाली। लेकिन अब की बात जो है, अब की बात ये जिंदा खुदा पर भरोसा नहीं करा, आराम के बादशाह के साथ मिल गया है, आराम के बादशाह पर भरोसा किया। हनन्याह नबी आया, जब हनन्याह नबी आया तो उसने आकर कहा क्योंकि खुदावन की आंखें जमीन पर फिरती हैं, ऐसा बादशाह को आकर पैगाम दे रहा है कि खुदावन की आंखें जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ काबर, अब तेरा दिल काबर नहीं रहा और अपने ताई जो कुवत दिखाए कभी दिखाए खुदावन तुझे कभी बना दे कुवत वाला बना दे, अब ऐसा नहीं है, खुदा तो कभी है, खुदा तो ताकत वाला है और वही ताकत जो उसके अंदर वो आपकी जिंदगी के अंदर ताकत भर देगा। ऐसे नहीं दाऊद ने बोल दिया, जाती जूलियत सामने आ गया क्या कहा था उसने, जब ने क्या कहा था, आपके अपने भी जब आप खिदमत में होंगे जब आपको बर कर रहे होंगे तो आपके अपने भी आपको होल्ड करेंगे, तो कितने आ रहे हैं वो कोई पता नहीं है, इनको राम की अलफे नहीं होती। वो भाई मुझे कोई बाइबल में से आयत बता दे कि जो बड़ा ही पढ़ा लिखा था बड़ा कामयाब शख्स था तो खुदा ने उसको पकड़ा और कहा कि भाई तू आज के बाद नबी है रसूल है पास्टर है निकवा है, कोई आया सर। और उस बेशक बड़ा पढ़ा लिखा था लेकिन ऐसा अच्छा था, वो पहले नाम क्या था साउल, कैसा करता था औरतों की इज्जत पर वार करना, खानों को मारना, कलिसिया को बेइज्जत करना, कलिसिया के खिलाफ खड़े होना, और ये ऐसा शख्स था खुदा ने उसे पकड़ लिया, खुदा ऐसे लोगों को पकड़ लिया। अपने आपको बताया, अच्छा अगर आप कह रहे हैं कि मैं नाकाम हूं तो मेरा ईमान है आप आपकी नाकामी को खुदा कामयाबी में बदल देगा, आपकी पस्ती को खुदा बुलंदी में बदल देगा। अभिषेक का पस्त है, लोगों की नजर में हकीर है, लोगों की नजर में आप हर्ड है, लोगों की नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको खुदा क्या करेगा जबरदस्त बना देगा। हालेलुया, आप बनना चाहते हैं कि नहीं, बनना चाहते हैं। आपकी बार इसने क्या दी है, ऐसा बादशाह ने आपकी बार खुदा पर भरोसा नहीं किया, हननी आया, हननी ने आकर जब उसको गैप दी आकर बताया कि तूने ये किया है, और जब उसने ये आयत बताई तो इसको गुस्सा आया, कहा खुदा ने क्या कहा, खुदा के कलाम यूसुफ था, आज बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए प्रोफेसी हो जाए लेकिन होनी मीठी चाहिए, कलाम मीठा ही हो, इस वास्ते तो मीठा खा खा के शुगर हो गई, कौड़ा ते मिलना नहीं, कड़वा पसंद नहीं है, किसे खादर ने कड़वा सुना दिता ते बस फिर कहना मैनु ही ला ला के सद। आप उस वक्त खुदावंद का शुक्रिया अदा करें जब आपके लिए कलाम, जिन्होंने कहने नहीं
और मेरे लाला के कलाम सुनाए। आप ये ना कहे खुदावन तेरा शुक्र ये कलाम आज मेरे लिए, क्योंकि जिसे वो प्यार करता है उसे फिर डांटता थोड़े भी ना डांटता है, उसे वो डांटता नहीं उसे छाड़ता नहीं। अगर वो आपको डांटे या छाड़े ना तो आप उसके बेटे बेटी नहीं बल्कि क्या लिखा है हरामजादे ठहरे। ये पसंद है हरामजादे ठहरे बढ़ना या फिर खुदा के बेटे और बेटी बनना, कुछ ही बोलो सर भाई तुम भी बोलो सर। अगर बेटे बेटी का बनना तो फिर कलाम आना ही आना है। जो कहते ने लाला के मैंने कर दिता है तो मुझे बताइए जरा, नमक जो है जख्म पर लग जाए तो बड़ा सुकून मिलता है जी, सुकून नहीं मिलता क्यों चुभता है। अच्छा तो ये कलाम जो है जब गुनाह पर लगता है तो उदो भी बंदे की चुभन होती हुई गुनाह करता है, जहां पे गुनाह है उधर लगना ही लगना कलाम। बेशक बड़ा बड़ा नबी क्यों ना है, बेशक पास्टर के क्या मैं देखिए थोड़ा खुदा बार बार क्यों बोल रहा है कि तेरे बाप दाऊद की खातर। अब पूरी नस्लों को यही बोल रहा है क्यों उनकी खातर है हम कर रहा हूं, दाऊद की तरह मुझे कोई नहीं मिला। पता क्या था उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी, आप इसकी खूबी देखें, जब इस पर कलाम हुआ तो इसने क्या कर दिया, हनन्याह नबी को कैद खाने के अंदर बंद कर दिया। किसने मुझे ये कलाम सुनाया, इसने वो प्रोफेसी की है और वो भी ऐसी प्रोफेसी, वो भी ऐसा कलाम जो कि मेरी मर्जी का नहीं है। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरी मर्जी का कलाम हो, मेरी पसंद का, मैनू बस मिठा मिठा चाहिए कलाम। तो भाई ऐसा होता तो फिर मिठा खाता वो ही सुना सकता है जिन्हों ना अपना पता पहचानना तो ना उन्होंने कलीसिया का पहचानना, तो मिठा वही सुना। लेकिन अगर कड़वा सुनते हैं तो याद रखिए आप मुबारक लोग हैं, कड़वा कलाम में कबूल कीजिए। जब आपकी लाई पर लगे, जब आपके गुनाह पर लगे उसे कबूल कीजिए। और दाऊद को देखिए, इसके 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 अंगेज दाऊद को देखिए जरा। दाऊद जब पता चला उसे, उसको पता चल गया कि भाई मेरे गुनाह का पता चल गया, तो वो क्या किया उसने, बादशाह से ही करते थे ना, बादशाह से ही करते थे, वो कत्ल करवा देते। रातें लाया रातें जाकर बताया कि भाई तुमने ये गुनाह किया है, तो दाऊद क्या किया कत्ल किया, उसको कैद खाने के अंदर बंद कर दिया। नहीं, वो चुप गया, खुदा की सुई में चुका, तौबा की, माफी मांगी, फिर से खुदा को कहा कि मुझे बाहर कर दे, क्योंकि तो बाहर करने वाला होता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, झरनों में ले जाता है जहां पे सुकून है, जहां पे आराम है, जहां पे तसल्ली है, जहां पे खुदा की सुई और खुदा का वास है। सो याद रखिए आप नकाम से नकाम क्यों नहीं है, आपकी नाकामी को कामयाबी में बदलेगा, क्योंकि खुदा नाकाम लोगों से भी प्यार करता है। मत्ती की अंजील उसका चौथा बाप जब उसकी अठारहवीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे इंद्रियास और पत्रस, पत्रस इंद्रियास ये दोनों भाई हैं, और शगिर्द पहले किसके थे बताइए मुझे जरा, इंद्रियास और पत्रस शगिर्द पहले किसके थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य थे, और ये माही गिर थे मछलियां पकड़ते थे। और आप देखिए जरा कैसे लोग थे, कैसी जिंदगी गुजार रहे थे, कामयाबी की जिंदगी थी है जी, नाकामी थी, एक नाकाम जिंदगी गुजार रहे थे, ऐसी जिंदगी गुजारते जा रहे थे। बेशक यूहन्ना के शगिर्द थे तो भी जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे उस वक्त इंद्रियास वहां पे मौजूद था, इंद्रियास के साथ एक दूसरा जो शख्स था उस वक्त पत्रस जो था वो अपने घर पे ही था। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो उस वक्त यूहन्ना ने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। इससे पहले एक मुकालमा हो चुका था, कम्युनिकेशन हो चुकी थी, जब यूहन्ना कह रहा था कि मैं तो खुद जो है वो तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूँ, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक हूँ। इंद्रियास सुन रहा था कि हमारा जो उस्ताद है वो उसको ये कह रहा है, उसका मतलब ये है उससे भी बड़ा कोई उस्ताद है, उससे भी बड़ा कोई नबी है, उससे भी बड़ी कोई शख्सियत है। और वो आया भागा भागा और उसने आकर पत्रस को बताया कि हमने खरस्तस मिल गया है, हमें वो नबी मिल गया जिसका हमें इंतजार था, आओ मैं तुझे उस घर पे लेकर जाता हूँ। और भैया दोनों गए वहां पे, जब
तो यीशु मसीह से बात की, यीशु मसीह को कबूल कर लिया और फिर यीशु मसीह के ही हो गए। हालेलुया, जब यीशु मसीह के हो गए तो फिर यीशु ने क्या कहा, आज के बाद तुम माही के नहीं बल्कि क्या हो, आदम के। पहले किसको पकड़ते थे आप, अब आप लोग इंसानों को पकड़ कर मेरी हसूली में लाओगे, इस बादशाही के अंदर लाओगे ताकि सेनों ने सुधाओ। और फिर आज देखें पतरस के खतों को पढ़कर हम बरकत पा रहे हैं। हालेलुया, खुदा ने उसकी नाकामी को क्या कर दिया, कामयाबी में बदल दिया। यही वो पतरस, यही पतरस, इससे पहले वो कामयाब हो गया पतरस यही था। जब यीशु ने कहा कि आखिरी फसा खाने खाते हुए क्या कहा था, जब ये कह रहा था कि तुमने से एक मुझे पकड़वाएगा तो सब एक दूसरे अपने अपनी तरफ देख रहे थे, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। पतरस भी वहां पे था तो पतरस ने क्या कहा कि खुदावन मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मुर्ग के बाग देने से पहले तीन बार मेरा इनकार करेगा। चाहता था नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, पूरी कोशिश थी, पूरी स्ट्रगल थी कि मैं खुदावन्द की खातिर खड़ा हो जाऊंगा, बल्कि तलवार भी निकाल दी कि दुश्मन को मारने के तलवार से। खुदावन्द ने क्या कहा, जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से ही कत्ल होंगे। अगर मैं चाहता, मैं खुदावन्द से चाहता तो फिर कितने तुम मन जी आरा तुम मन। इसकी अलग अलग जो है वो बात की गई है, इसकी जो तादाद है वो अलग अलग बताई गई है, इसकी तादाद जो है वो अलग अलग बताई गई है। कोई जो पहले था यानी कि रोमी फौज से पहले एक पूरा दस्ता जो कि 86,000 का होता था उसमें से कुछ पैदल चलते थे, 7,000 जो थे वो पैदल चलते थे, बाकी घोड़े पर सवार होते थे। फिर जब रोमी आई तो फिर उस वक्त 72,000 जो एक बड़ा दस्ता होता था तो उसको 12 तुम्मन कहते थे, एक तुम्मन बनता था। आप देखे, आप देखे जरा, अगर 72,000 भी अगर 86,000 भी है तो एक तुम्मन बन गया तो 12,000 के साथ, 12 के साथ इसको जब देते तो कितने बन जाते, एक कसीर तादाद फौज फरिश्तों की आ जाती थी। खुदा ने कहा अगर मैं चाहता तो ऐसा हो सकता था, ये हो जाता था, लेकिन अब जो है अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सारा कुछ ऊपर से पहले हो चुका है कि एक शख्सियत ऐसी आएगी जिसने कोई गुनाह नहीं किया होगा, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई बदली होगी, वो सारी कौम और कबीलों के लिए अपनी जान देगा और जो भी उस पर ईमान लाएगा हमेशा की। आप सोचिए जरा कितने नबी है, कितने रसूल, कितने पैगंबर है, किसी ने इन्विटेशन दिया दिया, यीशु आया तो उसने इन्विटेशन दिया। अगर इन्विटेशन है, इन्विटेशन लेकर आप रात के अंदर दाखिल हो जाते हैं, शादी ब्याह में आप चले जाते हैं, इन्विटेशन आपके पास है, यीशु ने सबको दे दिया है, ऐ मेरे तू खाने वाले और बोझ के दबे हुए लोगों, यहाँ पे कौम और कबीलों की बात नहीं हो रही, हर कौम हर कबीला किसी भी रंग नस्ल मजहब फिर से तल्लक क्यों नहीं है, उन सबको यीशु मसीह दावा देता है, आप कामयाब है, नाकाम है, आप गुनाहगार है, आप गुनाह से बरी हो चुके हैं, खुदावन्द उन सबको कहता है कि तुम सब मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुमको क्या दूंगा, आराम दूंगा। पहले जो जुआ तुमने उठाया उसने तुम्हें जख्मी कर दिया, उस जुआ को जुआ जो पहले उठा चुके हैं उसका बोझ है वो भारी है, आप उठा उठा कर थक चुके हैं, पिस चुके हैं, मेरा जुआ ले लो, ये क्या है, नरम मुलायम और हल्का है, ये जख्म नहीं करेगा, ये आप जब जुआ उठाएंगे तो आपको जख्मी नहीं करेगा, ये आपको बहादुर उल्लास देगा। यही वो पतरस था जिसने बात देने से पहले यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, तीन बार गिर गया था और गिरे गिर जाना गुनाह में गिर जाते हैं। पतरस नहीं गिरा यहाँ पे, गिरा के पतरस से नहीं गिरा, बहुत गुनाह में गिरा के नहीं गिरा। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे अगर वो गिर के गिरे नहीं रही बल्कि फिर से मुझे क्या कर दे, फिर से मुझे बहाल कर, फिर से खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर और फिर से मुझे ताकत और तकदीर दे, फिर से मुझे अपनी हजूरी में ले ले, फिर से खुदावंद मुझे अपने जलाल और अपने मसल अपने जोर से भर दे। और यही वो पतरस है जिसको बाद में जब ये खड़ा हो गया इसने
आकर रोया चिल्लाया और खुदा को पछताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों निकाल दिया। और यही वह पत्रस है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो वे बहनों को क्या कह रहे थे, उन औरतों को क्या कह रहे थे, कहता कि जाओ जाकर मेरे भाइयों को बताओ, खास कर किसका नाम लिया बताओ मुझे, किसका नाम लिया, किसका नाम लिया, पत्रस को बताओ। हम प्यार करते हैं पत्रस से भी, ऐसे लोगों से जो गिर चुके हैं खुदा उनसे मोहब्बत करता है, ऐसे लोग जो खुदा के साथ चलते चलते गिर चुके हैं खुदा उनको फिर से बहाल करेगा, ऐसे लोग जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं वो फिर से बहाल हो जाएंगे। हालेलुया, ये उसकी मोहब्बत का सबूत है और ऐसी मोहब्बत की मिसाल आपको पूरी बाइबल में कोई नहीं मिलेगी, एक ही वैन साल है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। खुदा नकाम लोगों से क्या करता है, प्यार करता है। अब रखो कोई बड़ा कामयाब शख्स था, कामयाब शख्स था, अगर इसके घराने को आप देखें, इसका खानदान घराना सारे बहुत प्रस्त था, खुदा ने वहां से ले लिया। क्या कहा, तेरा नाम क्या है जी, अब्राहम। अब्राहम का मतलब क्या था, सिर्फ बाप, यानी कि बाप। खुदा ने कहा आज के बाद तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम, एक हे मिल गई और इसी हे ने काम कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं जब आप अपने बच्चों के नाम रखें तो बड़ा सोच समझ के रखे, ऐसे ना रख दे, रख देते ड्रामे फिल्मा बेटे आपको मीनिंग का पता नहीं है, आपको मतलब का पता नहीं, नाम क्यों रखा, आप जानते हैं आपके नाम पे आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका नाम जो है ना वही आपकी पहचान है। यीशु ने कितने लोगों के नाम बदल दिए, बदलने की जरूरत थी तो बदल गया, ऐसे तो नहीं। खुदा ने क्या कहा, तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम है और इसी हे ने काम का दिखाया। जब अब्राहम था तो मतलब था बाप, जब अब्राहम हे मिल के साथ तो फिर कहा तू बहुत सारी कौमों का बाप। हालेलुया, देखो नाम चेंजिंग से ही बहुत सारी कौमों का बाप, और आज देखिए अलग सही है कौमे कबीले सही है। और यह भी कोई कामयाब शख्स नहीं था, अब्राहम से जब खुदा ने अब्राहम बनाया तो कामयाब हो गया। खुदा ने काम लोगों से प्यार करता है। इसहाक ये भी ऐसा शख्स था, इसका मतलब हंसी और खुशी। यकूब क्या मतलब है, यकूब का मतलब क्या है, धोखेबाज, ये भी पकड़ने वाला, धोखा देने वाला। हाँ जी, हम इतना ना कर भैया ने किसी काम का ना यकूब हो तेन जाके भरया तेरा झगड़ा ही है। हाँ जी, तू तो है धोखेबाज, तुम्हें धोखा ही दे तो वो जिस सिचुएशन में से गुजर रहे होते थे ना उस वक्त खुदा उनको ला देता, तो सिचुएशन के हिसाब से वो नाम करते। जैसे जो समेल की बहू थी उसका नाम क्या था, जब उसकी बहू ने बेटा दिया उस वक्त उसका नाम यकबूत रख दिया, यकबूत। यकबूत जब रखा तो इसका मतलब क्या था, आप खुदाओं की हशमत हम में से जानते हैं, हशमत ही नहीं, आप खुदा की कुदरत हुआ आमी ने कमाली की होते वो ऐत का सदूक ही चीन कर रहे हैं। उस वक्त इसके हम बेटा हो तो उसने वैसा ही नाम रख दिया। अगर नाम खुदाओं ने चेंज किया तो इसका बहुत बड़ा मतलब है, ऐसे नहीं। आप जब नाम रखते हैं तो बड़ा सोच समझ के रखें, ऐसे नहीं रखो कि बस ड्रामा फिल्म देख रहे तो उन्हें नाम रखें, पहले उसका मतलब देखें और फिर उसका नाम पर रखे और फिर उसी नाम के ऊपर उसकी पूरी पर्सनैलिटी उसकी जिंदगी जो है वो चलेगी। इसराइल रख दिया। अच्छा, खुदा क्या करता है, नकाम लोगों से प्यार करता है। खुदा नकाम लोगों से प्यार करता है। जब हम बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना चौथा चैप्टर पढ़ते हैं तो यहां पर एक बात मिलती है सामरी औरत की, बड़ी अच्छी थी,
ऐसे ही है। और आप जानते हैं कि ये जो इसराइली लोग थे, ये अपने आप को खुदा के बेटे बेटे का समझते थे और दूसरी कौमों कबीलों को ऐसे समझते थे, बल्कि उनको बिल्कुल नीच और हीच समझते थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब पढ़ते तो लिखा यीशु यहूदिया में मनाती कर रहा था और यहूदिया से गलील जाने का जो रास्ता था वो यीशु को सामरिया से होकर जाना शुरू होता। अब होता ऐसे था कि सामरी लोगों के तो ये साये से भी दूर भागते थे, सामरियों के साथ इनका रवैया अच्छा नहीं था, सामरियों के साथ इनका खाना पीना अच्छा नहीं था, सामरियों की गली बाजार शहर से गुजरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, यीशु मसीह को सामरियों में से होकर जाना जरूर था, उसको वहां से ही गुजरना था, रास्ता नजदीक और पड़ता था। अब ये जब सामरिया से जाते थे तो ये नजदीक पड़ता था लेकिन चक्कर काटकर ऊपर से जाते थे, यहां से नजदीक पड़ता था लेकिन यीशु मसीह को सामरिया में से होकर जाना जरूर था। क्यों सामरिया में से जाना जरूर था? क्योंकि वहां पे एक ऐसी औरत थी जो कि नकाम थी, एक ऐसी औरत जो कि नकामी की जिंदगी गुजार रही थी, ऐसी औरत जो कि सनाकार है, ऐसी औरत जो कि गैर मर्दों के साथ उसका तल्लुक और वास्ता। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब वो यीशु मसीह से बात कर रही थी, आप सोचिए जरा, ऐसी औरत के साथ अगर आजकल का पास्टर गल कर पाए तो किस तरह का रवैया होगा? जहां पर देखिए सर, यीशु उससे गुफ्तगु कर रहा है और शिकायत खाना ले गए। यीशु खुले मैदान में कोई बंदा कोई बशर कुछ भी नहीं है, दूर से दूर गए और यीशु से बातें कर रहे हैं, उससे बात कर रहा है, यीशु मनाती कर रहा है। अब वो क्या कह रही है? यीशु कहता है जा अपने शौहर को लेकर आ। वो क्या कहती है? मैं अनमैरिड हूं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। यीशु ने कहा पांच तू कर चुकी है, छठा जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है। ऐसी औरत जो कि नकामी की जिंदगी गुजार रही है, ऐसी औरत जो कि इस गुनाह के अंदर लथपथ है। शकीरत आई, शकीरत भी देख रहे थे, यीशु क्या कर रहे हैं, यीशु बातें कर रहे हैं, ये नकाम थी। मेरा ख्याल आज ऐसा कर दिया जाए पांच साल में पौलुस ने जेल में बंद करवा दिया जाए, अगर वो प्रोफेटिकली बोल रहे ये क्यों बोल रहे, सारा कुछ साढ़े बच्चे में तो साढ़ी भैन में तो साढ़ी वादे वाले करके चले। लेकिन याद रखे खुदा का कलाम असर रखता है, इसने ऐसा नहीं किया। यीशु ने ट्रैक्ट कह दिया कि पांच तू कर चुकी, छठा जिसके पास बाप नहीं है वो भी तेरा नहीं है। गुंडरों के बाद हो गई और कहने लगी यीशु मैं ऐसी ही हूं। इसी चीज में चाहते हैं रियाकारी नहीं की, अब आ जाते हैं और शराब की किए वो खुदा तेरा बड़ा शुक्र है, साढ़े वास्ते जान देगी सानू बचा लिया सानू छुड़ा लिया, बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र। आ गई रियाकारी, इसने रियाकारी नहीं की, करते नहीं, अपने आपको बड़ा ठीक ठाक बना के पेश करते हैं, लेकिन जो चीज होती है उसको नहीं आगे बताते कि खुदा नाम ये है। इस औरत ने आकर बता दिया, कहा यीशु मैं, बोलो सर यीशु मैं ऐसी ही हूं, लेकिन खुदावन तू मुझ पर रहम कर दे, तर्स कर दे, मुझे माफ कर दे। खुदावन ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए और तुम्हारा गुनाह ना करना। यही वो औरत जो कि नकाम थी, यही औरत को खुदा ने कामयाब बनाया और अवंचरिज्म की डोर टू डोर गई, जाकर बताया, जाकर लोगों को कहा कि आज वो मुझे क्रिसमस मिल गया है जिसने मेरी सारी दिल की बातें बता दी है, मेरे बारे में उसने सारा हाल बता दिया है। और एक बड़ी गैदरिंग लेकर यीशु के पास आई, बहुत से लोगों ने तौबा की, यीशु से कबूल हो गया। अच्छा सोचिए जरा, ऐसी औरत का इंतजार करना बड़ा इसी होगा लोगों के लिए, इसी होगा, कोई भी इंतजार नहीं करेगा, क्या करेगा कोई? लेकिन उन लोगों ने क्यों कर दिया, क्यों आ गए? क्योंकि वो जानते भी थे
उनकी हरकतों से बात करते हैं, उसकी जिंदगी से बात करते हैं लोग, क्यों आगे उसके पीछे, क्यों आए उसके पीछे उसकी गवाही सुनकर, क्यों आगे उसकी बात को सुनकर। उसने बता दिया था कि जैसी मैं थी उसने सब कुछ मेरा बता दिया, उसने मेरे दिल की बातें बता दी है, उसने मेरी जिंदगी के बारे में एक एक बात जो कही है वो सच है, और मैंने तौबा की, माफी मांगी, उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, वो गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। आओ तुम भी आओ और यीशु के पास चलते हैं, सारे लोगों को निकाल, ऐसे लोगों को यीशु से पकड़ लेता है, हाँ खड़ा करता है, बहाल करता है। असली ऐसा तो लोगों को चर्च ही नहीं होते, बाहर निकलना, निकल निकल मेरा ठीक हो गया, तो शराब पीगा तो बाहर खड़ा तो बाहर ही रखे, पहले ठीक कर हो गया, बोलो जरा पहले क्यों हो गया ठीक, वो भाई जिते तो ठीक होना उतो तो कर देता, तो ठीक होना जितने ठीक होना सी ठीक तो इतने होना सी। कलाम सुनता को कलाम की कोई बात उसको छू जाती, एक खादम अगर 40-45 मिनट का घंटा बोलता तो उसमें से एक लफ्ज भी इसको नहीं मिलना था, खुदा तो उसे बदल देता, खुदा तो उसकी जिंदगी को बदल देता, उसकी नाकामी को कामयाबी में बदल देता। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा अगर वो यीशु के पास आ जाते हैं। ऐसे लोग ये देखिए जरा, ऐसी औरत नाकाम थी, खुदा ने क्या करी, ऐसे भी प्यार किया, ये नफरत कर दी। खुदा नाकाम लोगों से क्या करता है, प्यार करता है। कूमा शक करने वाला इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था, शक करता था शक के नहीं, सिर्फ कूमा ने शक किया था या बाकी लोगों ने भी शक किया था, बोलिए जरा, बाकी लोगों ने शक किया था शिकंदर ने कि नहीं, है जी, सिर्फ कूमा ने किया, सिर्फ हाई लाड हो गया ना तार करके पता लग गया किया, सब ने था पता कैसे किया, जब औरतों ने आकर बताया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, हमने देखा है, फरिश्ते ने कहा है कि वो गलील को चला गया, तुमसे जाने से पहले तो चला जाएगा, होना क्या पतरस वगैरह भी क्या होना क्या ऐसा कितने हो सकता है, और जे पर क्या किला गए सब शक सी ना गए सब देखकर गए सब शक है से करे शक देखकर गए सब शक है। अच्छा ये शक में क्यों था, पता क्यों शक में रहा, क्योंकि जब यीशु मसीह शिकंदर पर जाए तो सुगत पतरस वहां पर, जब खुदा की हजूरी खुदा की मामूली खुदा का मसा था तो उस वक्त पतरस नहीं था, इसलिए उसने शक किया। आज भी जब जबरदस्त प्रस्तुत हो रही थी, कई लोग बाद में आए उन्होंने शक कर रहा पतरस की तरह, क्योंकि खुदा की हजूरी से खुदा के मसा और लुत्फ को उन्होंने जान लिया। जब वर्षिप हो रही होती है जबरदस्त, तो उस वक्त इससे पहले ही आए चर्च, बरकत पाकर जाया, बरकत मिलेगी। तुम शक करने वाला इंसान था, और फिर देखिए यही कुमार था जिसने पूरे एशिया के अंदर आकर मरादी की बीज बोया, बेशक बेदारी नहीं आई लेकिन बीज बो करके उसके बाद बेदारी आना शुरू। हालेलुया, खुदा ने इसकी नाकामी को कामयाबी में बदल दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर यशायाह नबी के सहीने के अंदर लिखा है, खुदावन की राहें और इंसान की राहों में क्या है, फर्क है, लेकिन खुदा की राहें हमारे लिए खूबसूरत और भरी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम कुसाद की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पे इफ्ता जलादी जो था ये एक कस्बी का बेटा था। किसका बेटा था, एक ऐसी औरत का बेटा जो कि जिस्म फरोश थी, अपने जिस्म को बेचती, उसका बेटा था। खुदा ने उसे ले लिया और बनी अमू के मुखालफ खड़ा कर दिया। और इफ्ता जलादी एक ऐसा इंसान जिसके बाप का पता नहीं था, उसे ले लिया, उसे खड़ा कर दिया, उसे जबरदस्त सूरमा बना दिया। प्यार करता है नाकाम लोगों से। अगर आप अपनी जिंदगी में शिकस्त खुदा है, नाकाम है, खुदा मन आपसे बेहद मोहब्बत करता है, क्योंकि पहला ग्रंथियों पहला चैप्टर के अंदर बड़ी खूबसूरत बात थी कि 27-28 तक, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। इनको चुना जी, बेवकूफों को। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पास्टर साहब यहाँ पे खड़े हैं, तो हम बड़े अच्छे हो गए जी। बेवकूफों की देना, बेवकूफों को चुन लिया। और फिर क्या लिखा है,
इसलिए चुना ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों हकीरों बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि वजूदों को नेस्त करे ताकि कोई बशर खुदा के सामने फकर कोई फकर न कर सके कि मैं बड़ा ही चंगा हूं। खुदा ने ऐसे लोगों को देखा, खुदावंद उठा खड़ा करता है, खुदावंद फतह से बढ़कर जो है वो गलबा देता है, और खुदावंद की हम करते हैं कि मेरा और आपका खुदा जो है वो मेरी और आपकी कमजोरियों को जोर में बदलता है, मेरी और आपकी लानतों को तब्दील कर देता है। आप जैसे मसीह क्यों नहीं है, खुदावंद आपके साथ साथ चलता है। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा और ज्यादा आपकी आपके रहमी मेहरबानी करता है। मैं खादम की पैस्तवानी बता के मेहनत कर दूंगा, एक खादम जो कि बड़े खुदा के करीब था, बड़े खुदा से प्यार करता, बड़े खुदा के रसूल में। आज मैं और आप सब जो जितने भी लोग यहाँ पे तजर्बा कर रहे हैं जो खुदा के साथ जिनकी रफाकत है, अगर कोई परेशानी आती है, दुख मुसीबत कोई बीमारी, तो क्या करते हैं, घुटनों के बाल होते हैं और फिर चेक करते रहते हैं कि खुदा हमारे क्या है, ऐसा ही है कि नहीं। जब वो पीछे अपने देखता तो कदमों के निशान देखता और कदमों के निशान चार लगते, उसने कहा दो मेरे है और दो मेरे यीशु के है। खुश हुआ कि यीशु मेरे साथ है। फिर उसको एक बड़ी ट्रेजेडी में से गुजरना पड़ा और फिर वो अपने आप को चेक करता है, चक्कर में सोचा था कि हम ऐसे लोग दुआ क्यों नहीं करते हैं, और फिर खुदा से बात करते हैं, खुदा बताता है, सिखाता है, और फिर हम खड़े हो जाते हैं। ये इसका अपना तजर्बा था, कोई ऐसा ना करना शुरू करे, हर एक बंदे का अपना अपना तजर्बा है। बात ये थी कि पाक बंदा वो कहीं ऐसे ना, मैं ऐसे दुआ करता रहता था, बाहर जाता खेतों में वहां पर बैठ कर दुआ करता रहता, जहां जहां मेरी पाक मिल गया, और ये नहीं कि मेरे पाक लोग खेतों में तुरे जाओ उठे फिर। आप जहां पे भी होंगे, अपने कमरे में बैठे होंगे, आप तनखा भी होंगे, तो भी खुदा आपको बात पूछ कर देंगे, तो भी खुदा आपसे बात कर रहे हैं। आप जितना उसके करीब होंगे, चलते फिर उतने आपके ऊपर वसत करे। और वो फिर चला और देखा, और बाद में देखा कि कदमों के निशान चार, बड़ा खुश हुआ कि खुदा ने मुझे मेरे साथ ही है, कोई दुख कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई हराने वाला शिकस्त देने वाला नहीं है। फिर उसको एक बड़ी ट्रेजेडी में से गुजरना पड़ा, और फिर चला और देखा तो कदमों के निशान दो रह गए। जब दो रह गए तो कहने लगा भोगते खुदा भी छड़ गए, असीरियस नहीं बोल रहे, बड़ा औखा जहा कानो होते साया भी साथ छड़ गए, आप परे पराए सारे पद लग गए, ऐसा है कि नहीं। इसने भी ऐसा कहा, आप तो खुदा ने भी क्या कर दिया, मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि कदमों के निशान क्या है मेरे हैं तो यीशु के कोई नजर नहीं आ रहे। उसी वक्त एक धीमी सी मिट्टी सी खूबसूरत सी आवाज आती है कि मेरे बेटे ये कदमों के निशान तेरे नहीं है, ये कदमों के निशान मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों पर उठा रखा है ताकि तेरे पांव को पत्थर से नफरत नहीं करता, अपनी गुनाह से खुदा को नफरत करता है। एक खादम जो कि 1979 में पैदा हुआ, छोटा बच्चा 12-13 साल का हुआ, तो वो अक्सर इबादत में जाता, मस्ती था, इससे पहले मस्ती था, चर्च जाता, इबादत करता, गीत करता, प्रसिश करता, कलाम पढ़ता, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे काम भी उसकी जिंदगी के अंदर थे। मस्ती, ये मस्ती रूहे होती है कि खुदावंद को भी खुश करना, चर्च भी आना, गीत भी सुनने, गाने भी सुनने, अजी खुदा को भी खुश रखना और खैर पीना फकीना मामलों में भी खुश रखना, अजी कर दे नहीं, ये मस्ती लोग हैं, जादू टूटे तमीज है, तो काम बढ़ा तो चलो जादू टूटे तमीज, मस्ती लोग चर्च भी रेगुलर थे, वो भी ऐसे शख्स था। और हुआ क्या, फिर 1989 में
वो एक मीटर के अंदर गया और खुदा ने उसका नाम लेकर बोलना शुरू कर दिया कि तू जबरदस्त सुनबा बनेगा, तो मैं तुझे आगे शोला बनाकर इस्तेमाल करूंगा, तू गीत लिखेगा, तू किताबें लिखेगा, तू गाएगा, तू बजाएगा, मैं तुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर और फिर आउट ऑफ कंट्री लेकर जाऊंगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और वो खादम जब उसकी जिंदगी के ऊपर वो भेद खुले तो भाग गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। और फिर ऐसा भागा कि साल डेढ़ आया नहीं है, 91 में फिर आया और फिर उसी खादम ने उसके लिए प्रोफेसी की, फिर वही प्रोफेसी की, फिर उसकी जिंदगी के सारे हालात जिसमें से गुजर रहा था जैसे वो जिंदगी गुजार रहा था फिर उसकी जिंदगी में अंदर ऐसे हुआ, फिर वो आ गया, फिर 92 के अंदर फिर दोबारा आया और खुदा ने कहा कि जब तक मैं तुझसे अपना काम ना लूं मैं हरगिज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे आकाशवाणा बनाकर इस्तेमाल करूंगा, मेरे चरणों में झुक जा। और उस वक्त वो खादम घुटनों के बाल हो गया, तौबा की, माफी मांगी, अपने गुनाह का इकरार किया और यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और उसके बाद यीशु ने उसे जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तो क्या क्या खोना शुरू हो गए, मुर्दे जिंदा हो गए, उसके वसीला से 5 बड़े मुर्दे जिंदा हो गए जिनको डॉक्टरों ने रिकमेंड कर दिया था कि इनकी डेथ हो चुकी है। उनमें से अभी मैं थोड़ी देर बाद उसकी गवाही भी दूंगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 2000 में वो खादम जो था वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया उसे, शेखजाद हॉस्पिटल से लाइलाज करके भेज दिया और कहा कि इसकी जिंदगी के सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाएगी और ये जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने घर में लाडला था, अपने कमरे में चला गया, अपने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को और खुदा से बात करना शुरू कर दी कि खुदा मेरी बात सुन और मुझे जिंदा कर क्योंकि तूने अपने कलाम को भेजा है, तूने कलाम किया और उस कलाम को हमेशा याद रख और मुझे जिंदगी दे, अगर नहीं तो फिर ऐसे हालात में मैं मरना नहीं चाहता। घुटनों के बल हो गया, फर्स्ट टाइम उस खादम ने 3 घंटे घुटनों के बल होकर पहुंच गया। डायरी में उसने लिख दिया अपने दिल की वो सारी बातें, कफर के लिए पैसे रख दिए उसने, उसने खाने के लिए पैसे रख दिए, डायरी में सब कुछ लेकर उसने बंद कर दिया कि बस आज पहला दिन और कल दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन, अगर डॉक्टर भी कह दे कि ये बचेगा नहीं तो वो बंदा मरने से पहले मर जाएगा। जब वो चौथे दिन आखिरी दिन जब वो घुटनों के बल होकर दुआ कर रहा था तो उसने खुली आंखों से यीशु मसीह के चेहरे देखा। और उस खादम को फ्री में मुफ्त में शिफा मिल गई और वो खादम जिंदा है और वो आपके सामने खड़ा हो गया। किताबे भी लिखी, तो 350-400 बीत गजल लिखे, कंपोज भी किया, रब ने फसल किया, रब की ऐसा नहीं था, ये सब कुछ मेरी जिंदगी का नहीं था, लेकिन आज उसके फसल से मैं यहाँ पे खड़ा अपनी गवाही दे रहा हूँ। उनमें से एक बच्चा है जिसके बारे में डॉक्टर कह रहे थे कि डेथ हो चुकी थी, उनकी शादी को कितने साल, दस साल की शादी को गई आगे से तरह कर दी, ऐसा बन गया। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज है और मैं जब इनके घर में क्या फर्स्ट आए खुदा ने बोलना शुरू कर दिया आपका 50 डेज आपका 50 डेज शी इज प्रेग्नेंट। 10 साल हो चुके थे, खुदा ने कहा आने वाले जो 15 दिन है खुदा तुझ पर रहम करेगा और तू एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम दाऊद रखना। और हुआ पता क्या हुआ, ये कि ये बेटा आपके सामने बेटा है और डॉक्टरों ने जब डॉक्टर के घर का कितनी रिपोर्ट थी, 16 रिपोर्ट के अंदर बेटी आई है, 16 रिपोर्ट करवाई इन्होंने, अल्ट्रासाउंड करवाई, आज भी वो रिपोर्ट पड़ी हुई है और मेरे फेसबुक पर लगी हुई है, रिपोर्ट सारी की सारी मैंने भी बना के तो चेक की है और 16 रिपोर्ट के अंदर ऐसा ही हुआ कि ये बेटी है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेटी निकल गए थे, उस वक्त डॉक्टर ने कह दिया कि बेटी की डेथ हो गई है और अल्ट्रासाउंड किया, कहा कि अब जो है वो डीएनसी करवानी पड़ेगी, मैं इस्लामाबाद में था, उसके बाद फिर उन्होंने और जो भी वो दोबारा रिपोर्ट करवाई और कहा कि डेथ हो चुकी है उसकी, अब नहीं, अब तो आपकी जान को भी खतरा है। मैंने मुझे फोन किया, मैं दुआ कर रहा था और एकदम से रोते रोते इसने हंसना शुरू कर दिया, मैंने कहा बहन क्या हुआ,
कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे ने मुझे ठीक की है, हरकत की है। मैंने कहा आप फिर तुम्हारा तो दोबारा नहीं अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उन्होंने कहा तीन बार तो पहले करवा चुके, भागो यहाँ से, आप नहीं ऐसा होगा तो आप टीएमसी करवाए। और फिर यहाँ से चलिए चोरी भागे निकल गए और मेमोरियल हॉस्पिटल में गए और वहां पर जाकर जब रिपोर्ट की तो उन्होंने कहा कि बेटी है और उसको जो है वो आईसीयू में लेके रखना पड़ेगा और उस बड़ी सीरियस है। और खुदावर के नाम को जलाल मिले ये बेटा आपके सामने, खुदावर अपने खुदावर को पूरा करने की खुदावर जो कुछ कहता है उसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। जो वह कहता है वो होता है, हालात जैसे मर्जी हो खुदावर हालातों को तब्दील कर देता है। खुदावंत जमानों को, हालात को, वक्त को तब्दील कर देता है। खुदावंत चाहे तो सूरज अगर सामने आया 10 बजे तो फिर पीछे नहीं जा सकता है। हालेलुया, खुदावंत के पास ये भक्ति है, खुदावंत के पास इख्तियार है। अगर मेरी बहन और मेरे भाइयों अगर आप चाह सोच रहे हैं कि हम नाकामी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आइए खुदावंत के सामने झुके, खुदावंत से माफी मांगे, खुदावंत को कहे कि आज मेरी नाकामी कामयाबी में बदल जाए, आज तेरी पस्ती उन्नति में बदल जाए। खुदावंत फिर से मुझे बहाल कर, फिर से मुझे अपने जलाल के लिए खड़ा कर, फिर से खुदावंत आ मेरे से बात कर, फिर से खुदावंत मुझे अपनी राहों पर चलने का फसल बचा। अगर माफी मांगे आपके चरणों में झुके क्योंकि वो आपसे मोहब्बत और उसकी आंखें रोए जमीन पर इस वक्त भी यहां पे है कि उसकी आंखें देख रही है मुझे आपको करें, मुझे आपको देख रही है। अगर वो मुझे आपको देख रही है तो आइए उससे बात कीजिए। जितने लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो तौबा करें, माफी मांगे, अपने गुनाह का इकरार करें। अगर यीशु के साथ साथ चलते 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 गिर चुके हैं, बरगश्ता हो चुके हैं, आइए फिर से खुदावंत को कहें कि मुझ पर रहम करें, तर्स करें, मुझ पर अपनी मेहरबानी करें, मुझ पर अपना हाथ बढ़ाए। और इसके बाद जो है हम दुआ करेंगे बैठे बैठे एक महीने के लिए। सर अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सब जानते हैं आप कहां पे, आप सब जानते हैं, अपने आप को देखिए और फिर अपने आप को खुदा के सामने लेकर आइए। जल्दी से एक मिनट के लिए दुआ कीजिए, क्षमा कीजिए, माफी मांगिए, राम के चरणों में झुकिए। राम का रहे राम कैसे मुझे कहा तब कैसे आप मुझे अपने जवाब को लिया था कैसे आप क्षमा कीजिए और माफी मांगिए। आपकी आवाज आनी चाहिए, बैठे बैठे एक मिनट के लिए दुआ। बैठे बैठे एक मिनट के लिए सिर्फ तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, खुदावंत खुदावंत से फसल, खुदावंत से राम, खुदावंत से तर्स मांगेंगे, खुदावंत को कहेंगे खुदावंत दुआ और मुझ पर राम कर। हालेलुया, मेरे बाप यीशु मसीह नासरी के नाम पे आज जितने लोग तेरी सुनी में मौजूद हैं, जितने लोग खुदावंत तेरे चरणों में झुके हुए हैं, गुनाह का इकरार कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, फिर से अपने बहाली की दुआ कर रहे हैं, तो मैं तेरा खादम होते हुए मेहनत करता हूँ तेरे लोगों के साथ के लोगों का साथ आजादी रहाई और शिफा मिले यीशु के नाम को चला दे, यीशु नासरी के नाम। आमीन आमीन, जोरदार ताली बजाएं। और ये खुदावंत मुझसे प्यार करता है, खुदावंत आपसे प्यार करता है। अपने साथ वाले को कहिए हला के कहिए, अगर सो गए हैं तो हला के कहिए, खुदावंत आपसे बेहद प्यार करता है, खुदावंत आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आप जैसे भी हैं खुदावंत आपको प्यार करता है। आइए जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए वो अपने बहुत करेंगे। आपके पास साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं आप पर हाथ रख के दुआ कर सकता हूँ। आपकी जिंदगी के लिए खुदा खोल सकता है, आपके भेद खोल सकता है। जो लोग चाहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए वो खड़े होंगे, बाकी बैठे रहेंगे, आपकी कतारों को सुना रहेंगे। कितनी जगह रखते हैं
मेरे प्यारों में से एक बहन जो है वो कसाई स्कूल करवा गया है। आपके बंद कर दे अपनी किताबों को सुना कर Jesus.
Jesus, Lord Jesus. Praise Shiva. Praise Shiva. Praise Shiva. Yes, I'm going to be able to get a little bit of 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 a little bit of
खुदावंद के बेटे यीशु का खून छिड़क महावीरता किया यीशु मसीह के नाम वो भी सिद्ध किया था खुदावंद हर तरह के बंधन और चिवा टूटे हर तरह की बीमारी जय इस वन से यीशु मसीह के नाम में तेरे माफ करने वाले जीसस असाथी मिले वो भी जीसस वो भी सिद्ध किया था कृष्ण का कृष्ण का कृष्ण का खुदावंद कहता है तुझे मुझे भी चलो तो भाग करो और ये एग्जैक्ट टाइम आपके लिए है कि मैं तुझे राहत के चश्मे के पास लेकर जाऊंगा जहां मैं उस जगह में लेकर जाऊंगा जहां पर आराम और सुकून और तसल्ली है खुदा कहता है तू अपने डर और खौफ को मेरी सिद्धि पर दे मैं देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा डर जाती खौफ ज्यादा हो जाती है और वो फिर से थोड़ी ना करें हर तरह के मौत के खौफ से साथ हो ये सुन रस के नाम है और ये भी सिर्फ थोड़ी ना करें ये सुन से रस के नाम है तब तू आ तिबिटी को छू छू ये सुन से रस के नाम छू खुदा मेरा साथ चाहते Yes, Lord. Yesu Masih Masih Kena. Let your power go. Or the Holy Spirit Masih Chante. Or by the name of Jesus. Yesu Masih Masih Kena. Yesu Masih Kena. People Masih Kena. Then you don't have to get your will. John, which kind of this? Hey, that was it. Don't you know? You know this. Again, yeah. Roshi Kena. Sun Tore Nakon. Or again. You know this. Kena. Masih Kena. You don't see that. Then you don't have to. What is going to you? What is going to you? Yesu Masih Masih Kena. तेरा कोई चिंता, तेरे बात का कोई चिंता, कोई सी भी चिंता, ये सब से बस कर, ऐसा नहीं जाते, तेरे बेटे के सुना कोई चिंता, ओ थोड़ी सी बच, थोड़ी सी बच, तेरे का नसीब होगा, मुश्किल होगा, ज़िंदगी होगा, मुश्किल होगा, थोड़ी सी बच, थोड़ी सी बच, थैंक यू, चीज़ होगा, यू भाभी होगा, यू सब बाकी लोग दुआ करते रहेंगे प्लीज दुआ दे रहेंगे दुआ करते रहेंगे अगर प्लीज ये दुआ के बाद भी हो बैठ जाए तेरा कुछ तेरे को पीछे पड़ेगा
आजादी दे दे और खुदा को तुझसे लोगों को उठा दे यीशु मसीह नाम के तेरे को कोई कुछ नहीं तुम्हारी और तरह से जा रोश शमा का तरह यस और यीशु मसीह नाम के लोइस लोइस का प्रवेश तब क्या था मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तुझ पर नाम और दर्श कर दिया मैंने तेरी जिंदगी के अंदर बहाली और ताजगी को कायम कर दिया Yes, we must pray that Holy Spirit of God is coming. Praise the Holy Spirit. God is coming. 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 Fresh, right in the world. Yes, Lord. We go listen, glory. Yes, Jesus. Yes, Master. Yes, Master. True. Come on, please. You are a son. Please, God, I am a son. Fresh, come on. Lord, please. Please, God. Yes, Lord. Yes, Master. Yes, Master. Вот и чудо, ты хуки читай тогда. Я ставлю, я спасен на себя. Любовь, сила. Рыба, 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 рыба. Крестом горя, класса. Куда он там берет, там там, когда тарска была. А куда он? Куда он когда ты тут же асу махаки? А куда он когда мне кей бар? Ты же пистер по ногу мне дыха. Мене тебе так его дыха, вот так вот. कहता मैं तेरे आंसुओं का जवाब हूँ क्योंकि जो रोते हुए भी जो होता है वो खुशी से कर देगा राम कहता तो खुशी से फसल कर देगा रोश का होली जीसस होली जीसस होली जीसस छू तो अच्छू देख पर हम दस कर उसके दिल की बात बोल रहे हैं यीशु मसीह नाम से हर वो जुबान हर वो बंदर टूटे Touch Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Lord. Yes, Lord. You are a symbol. Holy Spirit, Jesus. Yes, Lord. 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 Yes, Yes, Lord. 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 आजादी चाहते हैं हर वो जगह टूटे हर वो बंधन टूटे तेरे बेटे यीशु का खोज होली जीसस होली जीसस तेरे खून के छपे लगाते हैं रूप
तुझे बड़ी बड़ी नियमतों से असुदा करना और मेरी किसी नियमत से तुम मुख्ताज नहीं रहेगी। भोली सिंह छो मासी के नाम में अभी इस वक्त हर तरह की इस मर्ज को हुक्म करते कि छोड़ दे, आजादी रहाई और शिफा मिले यीशु से मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम है, हर वो चुबा टूटे, हर वो बंधन टूटे और हर तरह की रुकावट परेशानी जाए। यीशु आ गया और हर वो जुमा तोड़ते जिसके खिलाफ है, हर वो बैठे तोड़ते जिसके खिलाफ है। Yes, Lord. Give us a